ओहो क्या बात है भाई, कूदो कूदो कूदो। ये हम वैली मॉल के ऊपर हवा में, चालू करो अपना आतंक मचा दो। बहुत बड़ा हॉन्टेड हाउस भी बना रखा है, बॉलिंग भी है भाई साहब। किसी भी गेमिंग जोन में ले जाओ इनको, सबसे पहले क्रिकेट खेलना होता है। Hey guys, once again, welcome back to ठाकुर सौरभ ब्लॉग। अब हम लोग जाने वाले हैं मस्ती जोन के ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर, और आपको दिखाने वाले वहाँ की सारी डिटेल बताएंगे क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी राइड्स अवेलेबल है, क्या फीस वगैरह। फुल मस्ती, मतलब नाम ही मस्ती जोन है तो फुल मस्ती तो हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ का एंट्रेंस आप लोग चेक कर सकते हो, ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ लाइटिंग के साथ। वाओ भाई साहब, चलते हुए ऐसा लग रहा है एक ना जन्नत वाले रास्ते में जा रहे हैं, मतलब जन्नत में कूदने जा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर एंट्री होगी अपनी फिलहाल, पूरा सामने अपना ट्रैम्पोलिन पार्क, और ये काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है भाई, मजा आ रहा है देखने में। बाकी इधर देखो किस तरीके के वीआर वाला रोलर कोस्टर राइड एंड ऑल है, सारा कुछ है। और इधर देखो पूरा का पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क, अलग अलग मल्टीपल स्काई वॉक भी यहाँ पर है, वो भी कर सकते हो, और यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हो। बहुत ही जबरदस्त है, विंग्स लग जाएंगे आप, परी वरी बन जाओगे, पापा की परी उड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है। बाकी चलते हैं, टिकट इन्फॉर्मेशन में अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देख लो ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए आपको 400 रुपीज देने पड़ेंगे 30 मिनट्स के लिए, और 600 रुपीज देने पड़ेंगे 1 आवर के लिए। 50 रुपीज का सॉक्स है, वो अलग से परचेज करना पड़ जाता है। और एडवेंचर पार्क भी है यहाँ पर, सॉफ्ट प्ले पार्क भी है, और ये क्या है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कुछ है। और यहाँ पर देखो कॉम्बो आप ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बैठ के पढ़ो डिटेल। ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर एंट्री हो चुकी, कैमरा वुमन को चेक करो अपनी कहाँ पर भटक रही है फिलहाल, गिरोगी ना दांत वात नहीं मिलेंगे, वैसे यहाँ पर कुछ होने वाला तो है नहीं। चलो भाई मैं भी चलता हूँ इसके ऊपर, देखते हैं क्या कुछ मजा आएगा, कूदना एक बारी। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कंगारू की बहन लग रही हो तुम, पता है तुम्हें। चलो मैं आऊँ, आ जाऊँ आ जाऊँ, हटो हटो हटो। ओ भाई ये देखा भाई, चिंपैंजी को देखा आपने चिंपैंजी हो गई, आगे आगे चलो, आगे आगे कूदते हुए, मैं पीछे पीछे आता हूँ तुम्हारे कूदते हुए। तो ये देखो भाई, ओए ये कैसे पैर हो गए, डर गई देख रहे हो क्या सीन किया मैंने इसके साथ। ये देखो वो बन जाओ शाहरुख खान, दोनों हाथ फैलाओ और सीधा नीचे, पीठ के बल उल्टा गिरना है, ले ये कौन सा ट्राई होता है, ये कौन सा ट्राई होता है। तो अब बारी है मिस करके कूदने की, 1 2 3 हाय डरपो कूदो। शुरू में हल्का सा लगता है डर, लेकिन गर्दन में हल्का झटका आता है, भैया ने बता दिया था गर्दन ऊपर करनी है तो गर्दन बच गई। अब ऐसा करके कूदोगे गर्दन टूट जाएगी, अपनी गर्दन प्यारी है ना, बचा के आना, सारा गुस्सा निकालूंगी आज मैं। ये हमारे लंगूर चढ़ते, अरे ऊपर कहाँ से जाऊँ, चला चला बस इतना ही चढ़ सकते थे, जब लगे मुश्किल है फिर नीचे कूद जाना। गाइस ये मस्ती मजाक में चढ़ तो गए काफी ऊपर तक, देखते हैं ये एंग तक पहुंचते नहीं पहुंचते। कूदो 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 कूदो, ये तो गाइस यहाँ पर ना बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी खेल सकते हो ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछल उछल के। अभी थोड़ी देर पहले मैं उछला था और भाई ऐसा गिरा हूं ना, ऐसा मुंह के बल गिरा हूं, बॉल आ गई, लो पकड़ ही नहीं पाई, क्या यार जल्दी से गोल करो, नहीं हुआ। तो अब है इनकी बारी, देखते हैं। ए इतने पास जाके नहीं, इतने पास से तो मैं भी कर लेती। तो यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं पहले से ही और काफी मजे ले रहे हैं, बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं लोग, तो चालू करो अपना आतंक मचा दो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये वाला ना उखाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, घर ले जाएंगे, मारो भाई करो गोल। ये तो चीटिंग है भाई, इतने पास से, मुझे लगा दूर से गिरोगे। ये भाई फेल हो चुका है बिल्कुल ही, नहीं भाई कुछ नहीं कर पाया फिलहाल, मैं अभी नहीं कुछ कर पाया था वैसे तो, जंप करके चला जाएगा भाई जा, बहुत बढ़िया बाहर ही फेंक दी इसने बॉल, चल भाई भाई इतनी दूर से इतना लंबा निशाना, छोटा भीम भीम भीम। तो भैया यहाँ पर देखो, भैया है प्रोफेशनल है, ओह ओह भाई साहब क्या था भैया ये दोबारा, एक एक बारी और भाई, भैया आने वाले हैं ये देखो, ओह भाई मतलब कितनी ऊपर, अरे वाह यार सीधे खड़े, क्या बात है, ओहो क्या बात है भाई, जबरदस्त बैलेंसिंग। चलो भैया कुछ और, ये अरे भाई वो कहाँ कूद के देखना, ओ शिट, ओह भाई ओ देखा तुमने, खतरनाक भाई एक नंबर। चलो भैया सिखाएंगे आपको, एक
ये वो भैया को देखो कितना ऊंचा था। जान के किया भाई आगे जगह थी। तो देखो इस तरीके की वीआर राइड का भी मजा आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। इनको वीआर पहना दिया है और रोलर कोस्टर राइड पे बिठा दिया है। ये देखो वाह। ये होता है जिनको बोलते हैं ज्यादा मस्ती मत करो, इनके चेक चेक कर सकते हो। हाँ जी कैसा लग रहा है भाई? मस्ती जोन में जाके मस्ती नहीं करेंगे क्या है? अब पसीने तो आएंगे ही ना। कभी ट्रैम्पोलिन पार्क गए नहीं थे, ये जयपुर में फर्स्ट टाइम लेके गई थी, उसके बाद से इनको भूत चढ़ गया। भाई मस्ती जोन की एक चीज मुझे बहुत खास लगी है, क्या उन्होंने हर जगह ना इस तरीके के रेट लिस्ट लगा रखी है, जहाँ पर आप हर तरीके के अलग अलग पैकेजेस के बारे में पढ़ सकते हो। तो गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉन्टेड हाउस भी बना रखा है, जो कि कैसल की तरह डिजाइन किया हुआ है। और ये देख लो, सुहाग रात है घूंघट उठा रही है, ये मतलब भूत के साथ इतना प्यार। अरे चलो वही लालटेन भी है भैया, लालू यादव की पार्टी का तो नहीं है ना ये? भैया लालू यादव की पार्टी का तो नहीं है भूत, ये लालटेन ले रखा इसने। बाकी ये देखो काफी जबरदस्त है, यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ पर अजीब अजीब से ज़ॉम्बीज हैं। और ये देखो भाई सदियों से ये नहाया नहीं है ये, अबे गंदे से नहा तो जाके। अरे यार किसी का बच्चा लापता हो गया, तुमने देखा है क्या? यही तो नहीं है भाई, चेक करो। हेलो मेक माय न्यू बॉयफ्रेंड। हैं ये दिन आ गया तुम्हारे। देखो ये है यहाँ का रिसेप्शन गेमिंग जोन का, और यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर ना राइड स्टार्ट हो जाती है, लाइक ये वाली वीआर राइड है, ये वाली भी वीआर गेमिंग राइड है, ये भी वीआर के थ्रू प्ले करेंगे। और यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे छोटे राइड्स लगे हुए हैं, जहाँ पर लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बाकी ये मशीन भी लगी हुई है जो पता है आप लोगों की हर बार पैसे बर्बाद करवाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा है, यहाँ पर बम्पर कार राइड्स वगैरह भी देखने को आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर बम्पर कार राइड लोग लेके मस्ती कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में होता है। कितना सही है, इसमें भाई एक्सीडेंट करते रहो और मजे लेते रहो। अब देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जहाँ पर कुछ रेसिंग गेम एक्टिविटी काफी सारी अलग अलग एक्टिविटी, लाइक इस तरीके की रेसिंग गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हो। यहाँ पर देखो कार्ड बनता है, कार्ड लेके आओ खेलो, यहाँ पर मजे लो। बाइक राइड है, इस तरीके की है गेम्स। ये देखो यहाँ पर कुछ मेले में जो लगती है उस टाइप की गेमिंग वगैरह यहाँ पर अभी एक्टिव है। फिर आती है यहाँ पर शूटिंग गेम्स के साथ साथ बच्चों के लिए स्पेशल बहुत सारी गेम्स होने वाली है यहाँ पर। वैसे बना तो बहुत ज्यादा बड़ा रखा है इसे, और यहाँ पर बॉलिंग भी है भाई साहब, तो यहाँ पर आके आप बॉलिंग का भी मजा ले सकते हो। कैमरा वुमन की बारी, कैमरा वुमन हमारी बॉल को ऐसे घुमा रही है जैसे कि झूला, लेकिन भाई गया तो सीधा सीधा है। अरे बाप रे बहुत सारे गिरा दिए इसने, शिट मैन कितने गिराए तुमने गाइस? कैमरा वुमन ने 5 गिरा दिए पहली बार में। ओए होए तुम्हारा भी खाली या मेरे 6 है, तुम्हारे भी 6 है। यहाँ पर आप लोग रियल क्रिकेट का मजा ले सकते हो, मस्ती कर सकते हो, लाइक स्मैश जो होता है ना उस टाइप का बना रखा है। ये आई बॉल, ये हुआ मिस। तो ये हमारे क्रिकेट के दीवाने, किसी भी गेमिंग जोन में ले जाओ इनको, सबसे पहले क्रिकेट खेलना होता है। अरे यार आहा, ये खेलेंगे क्रिकेट। हमारी कैमरा वुमेन अब हिट करने जा रही है थॉर का हैमर लेके, और देखते हैं क्या कर पाती है हमारी कैमरा वुमेन। चलो जी शुरू हो जाओ, बन जाओ पहलवान। ओए होए होए भाई मारा तो बहुत तेज है, लेकिन लगता नहीं है बहुत ज्यादा पावर है कैमरा वुमेन में। आहा सिर्फ इतना ही। हाँ जी तो अब हमारी कैमरा वुमेन पहलवान बन चुकी है और ये पंच करने वाली है, देखते हैं इनके पंच में कितनी पावर है। मारो मारो, अरे ये क्या मारा भाई, अरे वाह 305, क्या बात है, दोबारा आ चुका है। चलो भाई इस बार तो चक दे फट्टे। अरे भाई इस बार तो थोड़ा तगड़ा मारा है भाई साहब, मुक्का चेक करो लड़की का, 810। भाई इनका निशाना पहले भी मैंने देखा है काफी सही था, आज देखते हैं कि निशाना सही है या बुरा। चलो ज्यादा तारीफ कर दी, चैंप हो तुम, चलो बहुत बढ़िया चैंप हार गया। देखो कि ये रूम बना हुआ है जहाँ पर 7D थिएटर है, और उसमें यहाँ पर फिर से तुम पढ़ सकते हो चार्जेस। इस वीडियो में मैंने चार्जेस को बहुत कवर किया है ताकि आसानी से आप लोग पढ़ पाओ। बाकी इस तरीके की देखो 7D राइड्स हैं,
जिसमें बहुत सारे शोज चलते हैं। और इसमें फील सबसे ज्यादा अच्छा क्यों आता है, क्योंकि भाई पूरा ना एक एटमोसफियर बनाया जाता है, साउंड पानी अगर है तो पानी भी आएगा आपके ऊपर, डराएंगे भी आपको। बाकी ये लोग भी चले हैं शो में और हम लोग इनके साथ ही पीछे पीछे। ये रहा मस्ती जोन का, एडवेंचर पार्क बच्चों का। यहाँ पर बच्चे काफी सारी एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं, इस तरीके की स्लाइड्स वगैरह भी लगी हुई हैं, कुछ इस तरीके की बॉल्स हैं, यहाँ पर बच्चे काफी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक्टिविटी, ऊपर चढ़ सकते हैं, बॉल में कूद सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। प्लस एक राइड मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, इस राइड में भी काफी इंजॉय करने वाले हैं छोटे छोटे बच्चे, एक छोटी छोटी सी स्लाइड्स हैं। अगर आपके पास या फिर बच्चों का ग्रुप है, स्कूल से हैं, तो आप लोग यहाँ पर आगे काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों के पार्क के बिल्कुल साथ में यहाँ पर ना एक बड़ों के लिए भी एडवेंचर पार्क बना हुआ है, जिसमें काफी सारी एक्टिविटीज हैं और यहाँ पर अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा अगर आप आते हो तो। किस तरीके से यहाँ पे स्टेयर्स बने हुए हैं देख रहे हैं आप, जैसे एक ब्रिज है, वाओ, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये आपको हुक कर दिया जाएगा, सेफ्टी बेल्ट्स आपको पहना दिया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इंजरी ना हो। भाई इस पे चढ़ना काफी टफ होने वाला है, ये चीजें दिखती ना बहुत ज्यादा आसान है कि भाई मैं तो यूं ही कर लूंगा, लेकिन जब ऊपर जाते हो ना अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना यहाँ मुश्किल होता है, टफ होता है। एक ये देखो, इसमें वहां चढ़ जाओगे फिर इसमें कूद कूद के धीरे 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 उतर के आपको नीचे आना है। अब सोचो कि आप डायरेक्ट अगर हॉल से नीचे कूद गए कितने बुरी तरह नीचे गिरोगे, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है और काफी जबरदस्त बना रखा है एडवेंचर पार्क इन्होंने, पूरा है भाई ऊपर से नीचे तक हर एक एडवेंचर आपको यहाँ मिल जाएगा। भाई मस्ती जोन के अंदर ना जिप लाइन का एक अलग से काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप आके ऊपर की तरफ जाके जिप लाइन का मजा ले सकते हो। मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर है जिप लाइन इनकी, देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आप लोगों को रेडी शेडी किया जाएगा पूरा तैयार करके, ऊपर आपको हैंग किया जाएगा। ये देखो ऊपर बने हुए हैं और यहाँ से आप सीधा उधर की तरफ जाओगे जिपलाइन के लिए। देखो मुझे लगा था कि ऊपर पता नहीं कैसे ले जाएंगे, लेकिन ऊपर ये लिफ्ट है जिसपे मैं चढ़ा हूँ। देखो कैमरा मैन हमारी वहाँ खड़ी है, ये है हम वैली मॉल के ऊपर हवा में, और आप देख रहे हैं कि मजेदार जिपलाइन का भी ऊपर से नजारा देखो, थोड़ा नीचे से नजारा देखो, हम कर रहे हैं जबरदस्त वाली जिपलाइन। तो नीचे देखो लोग हैं नीचे और यहाँ मैं लटका पड़ा हूँ इसके ऊपर। एरियल व्यू द वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा का, जहां पर मैं एरियल व्यू आपको दे पा रहा हूं क्योंकि मैं हूं इस टाइम जिप लाइन के ऊपर। और देखो हमारी कैमरामैन वहां हमारा इंतजार कर रही है मुंडी टेढ़ी करके। बाकी मॉल देखो काफी खूबसूरत लग रहा है ऊपर से देखने में, तुम सो रही हो, शर्म नहीं आई तुम्हें, सेफली लैंडेड। तो भाई जिप लाइन थी बहुत ही ज्यादा सेफ, बहुत ही ज्यादा सिक्योर। अगर तुमने पहले कभी कर रखी है तुम्हें लगेगा कि जिप लाइन तो सिमिलर है, लेकिन गाइस अगर पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, मैं तो कहूंगा लाइफ में एक्सपीरियंस हर चीज का लेना चाहिए, ये भी ले लो। तो यहाँ कैमरा वेमन आ चुकी है सिजलर लेके, वाओ मोमोज का। भाई साहब ये क्या ही है, आतंक मचा रखा है इसने, सिजलर में काफी ज्यादा स्मोक। भाई मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये चीजें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो फटाफट बताओ, अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करके जाना। बाकी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और यहाँ चेक करो काफी ज्यादा जबरदस्त मजे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मोमोज वगैरह आ चुके हैं भाई, और हमारी कैमरा वेमन अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखा रही है इसके ऊपर। तो चलो भाई ये पीते हैं, हम रिफ्रेश होते हैं फिर घर के लिए निकलते हैं। घर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है रोड पे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक करना फटाफट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।